हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एंडर वीडियो। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं एंड कल मेरा फिजिक्स का एग्ज़ाम है। तो अभी मैं फिजिक्स प्रिपेयर कर रहा था, आपको दिखाता हूँ। ये फिजिक्स की बुक, ये है फिजिक्स की कॉपी, ये है रफ कॉपी और यहाँ पे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चल रही है। तो स्कूल से आने के बाद मैं बस फिजिक्स की प्रिपरेशन करने बैठ गया एंड मैंने कोई वीडियो क्लिप रिकॉर्ड नहीं की। तो मैंने सोचा फिजिक्स के कुछ ऐसे टॉपिक्स जो कि समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, उन्हें इस वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। इससे मेरा भी फ़ायदा होगा एंड आपका भी फ़ायदा होगा। फ़ायदा ये होगा कि अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा तो मुझे वो ज़्यादा अच्छे से याद होगा एंड तुम्हें भी हो सकता है थोड़ी हेल्प मिल जाए। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर एल्टीट्यूड और डेप्थ का क्या इफेक्ट होता है वो प्रूव करके दिखाने वाला हूँ, मतलब एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और साथ ही साथ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग और फिर वर्क एनर्जी थ्योरम को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसे प्रूव करने के लिए हम दो इक्वेशन कंसिडर करेंगे, एक जी की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो। तो जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, इक्वेशन वन। यहाँ पर जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड कैपिटल जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 6.67 × 10⁻¹¹ होती है। एम मास ऑफ अर्थ और आर रेडियस ऑफ अर्थ। एंड दूसरी वैल्यू हम कंसिडर करेंगे जी की तब जब हम अर्थ सरफेस से ऊपर किसी एच हाइट पर होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, जी की वैल्यू चेंज होगी। तो यहाँ पर हम लेंगे जी डैश, कैपिटल जी तो सेम रहेगा, मास ऑफ अर्थ भी सेम रहेगा। एंड यहाँ पर देखो, जब हम किसी एच हाइट पर हैं तो अर्थ के रेडियस में एच हाइट ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये हो गए हमारे दो इक्वेशंस। अब क्या करेंगे, इक्वेशन टू को इक्वेशन वन से माइनस कर देंगे। सॉरी माय मिस्टेक, इक्वेशन टू को इक्वेशन वन से माइनस नहीं करेंगे बल्कि इक्वेशन टू को इक्वेशन वन से डिवाइड करेंगे, याद रखना। तो ये हो जाएगा जी डैश बाई जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर अपॉन जी एम। अब जी एम से जी एम कट जाएगा और यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की पावर सेम है तो होल पावर कर देंगे, आर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब देखो क्या करेंगे, इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे एंड पावर को माइनस टू लिख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आर प्लस एच का आर प्लस एच अपॉन आर होल पावर माइनस टू। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, इस आर को और इस एच को अलग अलग लिख लेंगे। तो हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आ जाएगी, आर बाई आर प्लस एच बाई आर होल पावर माइनस टू। एंड ये आर बाई आर जो है ये हो जाएगा वन प्लस एच बाई आर माइनस टू। अब क्या करेंगे, इसका हम करेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो मैं तुम्हें फॉर्मूला बता देता हूँ क्या होता है, ए प्लस बी का होल पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन प्लस एन ए इसकी पावर एन माइनस वन इंटू बी एंड प्लस इसके आगे। तो फर्दर ये ऐसे पावर, इसकी पावर कम होगी, इसकी पावर इंक्रीज़ होगी, तो इसके आगे हम कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये आर बाई एच यही है ना, नहीं एच बाई आर की ये जो वैल्यू है ये बहुत ही छोटी होती जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे इसका पावर हम इंक्रीज़ करेंगे तो ये वैल्यू नेग्लिजिबल होती जाएगी। तो हम यहाँ से आगे इसको कंसिडर नहीं करेंगे, हम बस इतनी ही वैल्यू इसकी कंसिडर करेंगे। तो अब हम इसको यहाँ पर रखते हैं, हमारे पास क्या वैल्यू थी, वन प्लस एच बाई आर होल पावर माइनस टू। ए की वैल्यू वन, बी की वैल्यू एच बाई आर, एन की वैल्यू माइनस टू रखते हैं ए वन। अब वन की पावर एन कुछ भी रखेंगे तो वन ही आएगा, इसको ऐसे छोड़ देते हैं। प्लस एन, एन की वैल्यू माइनस टू, ए ए की पावर एन माइनस वन, अगेन वन की पावर कुछ भी हो वो वन ही होता है, इंटू वन इंटू बी एच बाई आर। देखो वही चीज़ आ गई, उसको फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा वन माइनस प्लस माइनस माइनस टू एच बाई आर। तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ जाती है। एंड
अगर नहीं ये चीज़ नहीं याद रहती है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख देना बाय बायनोमियल एक्सपेंशन एंड इसकी वैल्यू याद कर लेना। इसकी वैल्यू होती है जो अभी हमने सॉल्व किया था 1 - 2h/r। इसको ऐसे याद रख लो, ये माइनस टू को उठा के यहाँ बस पुट कर दो h के आगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। तो हमारे पास अब ये वैल्यू निकल के आ चुकी है। अब क्या करेंगे, g डैश को इधर रख देंगे और g की वैल्यू को इधर लेते आएंगे ब्रैकेट में 1 - 2h/r। और अब g को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो g - 2gh/r। तो हमारे पास ये फार्मूला निकल के आ जाता है। अब देखो जब हम किसी हाइट पर हैं, मतलब g डैश की वैल्यू अगर हम किसी हाइट पर कैलकुलेट करते हैं तो हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग एक्चुअल जी की वैल्यू मतलब 9.8 में से कुछ वैल्यू समथिंग एक्स माइनस कर रहे हैं। तो जब 9.8 एक्चुअल में एल वैल्यू में से कुछ माइनस करते हैं तो एक्चुअल वैल्यू से तो कमी होगी, मतलब 9.8 से तो वो वैल्यू कमी आएगी ये जी डैश। तो हम ये कह सकते हैं बाय दिस फार्मूला कि इफ़ेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड ऑन जी का असर, ये मतलब जी पर एल्टीट्यूड का इफेक्ट। तो हम ये कह सकते हैं बाय दिस फार्मूला कि जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस के ऊपर जाते हैं स्मॉल जी की वैल्यू कम होती जाती है। अब देखते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डेप्थ का क्या इफेक्ट पड़ता है। इसके लिए हम कंसिडर करते हैं, लेट अस सपोज दैट ये हमारा अर्थ है, ये है अर्थ का सरफेस, अर्थ का सेंटर, ये हो गया अर्थ का रेडियस, इसको हम बोल रहे हैं कैपिटल आर। और अब अर्थ के सरफेस से जैसे जैसे हम नीचे आएंगे, मान लेते हैं हम यहाँ पर कहीं खड़े हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को हम डी ले लेंगे, स्मॉल डी, इतनी वैल्यू हम स्मॉल डी रख लेंगे। और अब क्या करेंगे, जहाँ पर हम खड़े हैं अर्थ सरफेस के नीचे, यहाँ से एक इमेजिनरी मास अर्थ का ड्रॉ कर देंगे कुछ इस तरह से। एंड इसके बाद यहाँ पर देखते हैं ये पूरा जो डिस्टेंस है ये आर है, ये डिस्टेंस डी है, तो यहाँ से लेकर जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ से सेंटर की जो दूरी हो जाएगी वो होगी आर माइनस डी, ठीक है, योग्य आर माइनस डी, कैपिटल आर माइनस स्मॉल डी। एंड ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि देखो जब हम अर्थ सरफेस पर हैं तो ये पूरी अर्थ का पूरा मास हमारे ऊपर जो फोर्स लगा रहा है वो टुवर्ड सेंटर लगा रहा है, लेकिन जब हम अर्थ सरफेस से नीचे आते हैं तो हमारे ऊपर का जो अर्थ का मास है वो भी हमारे पर फोर्स लगाता है बट वो टुवर्ड सेंटर फोर्स नहीं लगाता है। हमारे ऊपर टुवर्ड सेंटर फोर्स जो लगाएगा वो बस इतना ही मास अर्थ का लगाएगा, मतलब जब हम यहाँ पर हम खड़े हैं कहीं अर्थ सरफेस के नीचे तो आर माइनस डी रेडियस वाला जो मास है हमारे ऊपर टुवर्ड सेंटर फोर्स लगाएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे इमेजिनरी मास एम डैश कंसिडर करते हैं एंड अर्थ का एक्चुअल मास एम है। आई होप ये तुम्हें समझ में आया होगा, अगर ये समझ में आया होगा तो फिर आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अगेन हम जी की एक्चुअल वैल्यू जी एम बाई आर स्क्वायर को इक्वेशन वन मानते हैं, जी डैश को लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे m अलग है और m डैश अलग है, m डैश छोटे वाले अर्थ का मास है जो हमने कंसिडर किया है और m एक्चुअल मास है, तो एक्चुअल मास तो यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू में है लेकिन g डैश की वैल्यू में हम m को m डैश लेंगे। और अब देखो r की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ये छोटे वाले मास के अकॉर्डिंग रेडियस की वैल्यू r माइनस डी है, तो r माइनस डी का होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ भी सेम काम, इक्वेशन टू को इक्वेशन वन से माइनस करेंगे, अगेन सॉरी इक्वेशन टू को इक्वेशन वन से डिवाइड करेंगे, पता नहीं क्यों बार बार मिस्टेक हो जा रही है तो इग्नोर करना। ये जी डैश बाई जी इज इक्वल टू जी एम डैश अपॉन आर माइनस डी का होल स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर अपॉन जी एम, जी से जी कट जाएगा, एम डैश से एम नहीं कटेगा क्योंकि एम एक्चुअल मास है और एम डैश कंसिडर्ड मास है। अब क्या करेंगे इक्वेशन को इजी बनाने के लिए, इस आर स्क्वायर को इधर लेते आएंगे और एम डैश को इधर लेते जाएंगे, तो देखो क्या बनता है, आर स्क्वायर बाई आर माइनस डी का होल स्क्वायर इंटू एम डैश बाई एम। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी होगी तो वो हम निकालेंगे डेंसिटी के फॉर्मूले, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब देखो अब चाहे हम अर्थ का इतना मास लें या अर्थ का पूरा मास लें डेंसिटी की वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि अर्थ का जो कंटेंट है मतलब इसमें जो सॉलिड लिक्विड गैस मिट्टी पानी हवा जो भी है वो तो बदल नहीं रही है। यहाँ पर भी हम नीचे जा रहे हैं तो वो सॉलिड ही है, यहाँ ऊपर अर्थ सरफेस पर तो भी सॉलिड है, तो वो कंटेंट चेंज नहीं हो रहा है तो डेंसिटी सेम रहेगी। तो इस फार्मूले का यूज़ करके हम यहाँ पे m की वैल्यू हो जाएगी वॉल्यूम इंटू डेंसिटी।
और अर्थ एक स्फीयर कंसिडर करते हैं तो वॉल्यूम की वैल्यू हो जाएगी 4/3 πr³। 9th-10th में पढ़ा होगा। सबसे पहले m की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, 4/3 πr। एक्चुअल m के लिए, मतलब एक्चुअल m के लिए r की वैल्यू कैपिटल r है, r³ × डेंसिटी। m डैश के लिए 4/3, m डैश के लिए r की वैल्यू r-d है, 4/3 πr-d का होल क्यूब इंटू डेंसिटी। अब ये हमारे पास वैल्यू आ गया। अब इसको इक्वेशन थ्री कंसिडर करते हैं, इसमें पुट करते हैं। g′ / g इज इक्वल टू r² / r-d का होल स्क्वायर इंटू 4/3 πr-d का होल क्यूब इंटू डेंसिटी अपॉन 4/3 πr³ × डेंसिटी। अब डेंसिटी से डेंसिटी कट गया, 4/3 πr से 4/3 πr कट गया, एंड अब देखो r² r³ ये कट जाएगा, यहाँ पे बस r बच जाएगा, r-d का होल क्यूब r-d का होल स्क्वायर ये कट जाएगा, यहाँ पे बस r-d बचेगा। तो हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आ गया, g′ = g g′/g r-d/r। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। यहाँ पर भी सेम काम करेंगे जो हमने पहले किया था, r को अलग d को अलग लिखेंगे। यहीं पर बता देता हूँ, g′ / g इज इक्वल टू r/r-d/r। यहाँ पे टेंशन मतलब यहाँ पे कोई बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज़ नहीं करना है। ये वैल्यू 1 हो जाएगी, g′ / g इज इक्वल टू 1-dr, g′ = g 1-d/r, g′ = g-gd/r। तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे निकल के आ चुका है। तो अब देखो यहाँ पर भी अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला एक्चुअल जी 9.8 में से हम कुछ माइनस कर रहे हैं तो वो एक्चुअल वैल्यू से तो कम ही आएगी। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि अर्थ सरफेस से नीचे जाने पर भी जो जी की वैल्यू है वो कम होती है। तो अब देखो एल्टीट्यूड वाले केस में हमें ये कंसेप्ट यूज़ करना है कि जो जी की वैल्यू है वो g की वैल्यू 1/r² के प्रोपोर्शनल है, मतलब जी की वैल्यू अर्थ के रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अर्थ का रेडियस जैसे, मतलब रेडियस में जैसे जैसे हाइट इंक्रीज़ होगी, हाइट की वैल्यू बढ़ेगी, जी की वैल्यू कम होती जाएगी। एंड डेप्थ के केस में हमें ये स्मॉल मास वाला केस कंसिडर करना है। अब मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं करने वाला हूँ क्योंकि ये खुद में बहुत ही ज़्यादा पेचीदा कंसेप्ट है। अगर दोबारा से देखना है तो रिपीट कर लेना वीडियो, एंड आई होप समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत समझ में आया ही होगा। अब देखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है कि किसी नेट फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में हुए चेंज के बराबर होता है, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। हिंदी में बोला है, समझ में तो आ गया होगा एक बार में, नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिपीट कर लेना और मैं अभी आगे बढ़ता हूँ। तो अब इसे प्रूव करना है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या है, v² - u² = 2as, ये है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। हम क्या करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे हाफ एम से, ठीक है, दोनों साइड हाफ एम से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 1/2m v² - u² = 1/2m 2as। सबसे पहले ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, इसको फर्दर अंडर मल्टीप्लाई कर देंगे, हाफ एम v² - 1/2m u² = अब देखो यहाँ पर हो गया mas। अभी एम ए क्या होता है, फोर्स, तो एम ए को हम लिख देंगे यहाँ पे फोर्स इंटू डिस्टेंस, और ये ऐसे ही नीचे उतर जाएगी वैल्यू। अब फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या होता है, वर्क डन, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू वर्क डन। आ गया, प्रूफ हो गया। अब देखो वी स्क्वायर मतलब यहाँ पर वी है फाइनल वेलोसिटी है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये हो गई, और यू स्क्वायर यू इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यही तो है चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, और ये इक्वल टू हमने प्रूव किया वर्क डन के। तो ये प्रूव गया वर्क एनर्जी थ्योरम। तो अब प्रूव करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। तो इसमें हम यूज़ लेंगे हुक्स लॉ का। अब हुक्स लॉ क्या होता है आगे कभी पढ़ेंगे, बस यहाँ पर ध्यान रख लो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, फोर्स जो होता है
वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन अटेंगल थे कॉन्स्टेंट आएगा के एक्स, तो यहाँ से हमें एक फोर्स की वैल्यू मिल गई के एक्स, और ये के जो है ये है स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, जिसकी वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं के इज इक्वल टू एफ बाई एक्स। ये एक अलग चीज़ हो गई। अब वापस से यहाँ पर आते हैं, फोर्स की वैल्यू हमें मिल गई के एक्स। अब देखो ये फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि जब हम स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे होते हैं तो स्टार्टिंग में तो हमें थोड़ा सा कम ही फोर्स लगाना पड़ता है, जैसे जैसे वो कंडेंस होता जाता है हमें फोर्स को इंक्रीज़ करना पड़ता है। आपने अगर कभी ऐसा किया होगा तो आपने फील किया होगा। तो जब फोर्स यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है तो जो हम डिस्टेंस है मतलब डिस्प्लेसमेंट उसको अलग ले लेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में जब डिफरेंट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो भी कह सकते हैं उसको अगर लेंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे। तो इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हम जानते हैं सबसे पहले यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लेंगे, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा डी एक्स क्योंकि स्मॉल डिस्टेंस है, तो चेंज इन डिस्टेंस को डी से डिनोट करेंगे क्योंकि स्मॉल डिस्टेंस है। अब क्या करेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये हमें पता है, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू रखेंगे के एक्स, एस की वैल्यू रखेंगे डी एक्स। अब इसे डिफ्रेंशिएट कर दो, के कॉन्स्टेंट है बाहर लेते आएंगे के, अंदर अब इसको एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है ये तो पता ही होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू। अब इस टू को वन बाई टू के साथ बाहर लेते आएंगे, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वन बाई टू के एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास ये एक वैल्यू निकल के आएगी जिसको हम कह देंगे वी इज इक्वल टू वन बाई टू के एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग को कैपिटल वी से डिनोट करते हैं। तो इन चार टॉपिक्स में मुझे जितना समझ में आया था उतना मैंने एक्सप्लेन किया, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो एक लाइक ज़रूर करना, कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा ये वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी वीडियोस के लिए। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अगेन सॉरी फॉर सिली मिस्टेक्स जो मैंने इस वीडियो में की थी।